रेप और मर्डर हुआ उनका, ये निर्भया 2.0 से कम नहीं है। ये घटना बंगाल में हुई है, ये घटना कहीं भी हो सकती थी। एक डॉक्टर का ऐसा हो सकता है तो आम नागरिक, आम महिला, आम बच्चे कैसे सेफ हो सकते हैं? सुरक्षा ही मांग रहे हैं ना, ये तो सबका अधिकार है ना, तो हमारा क्यों नहीं? आज 6 दिनों में गवर्नमेंट कुछ नहीं की है सर अभी तक। अगर वो करते तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हड़ताल जब तक की हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक रहेगी। कोलकाता में हैवानियत का शिकार हुई मेडिकल छात्रा का इंसाफ अधूरा है, इसलिए देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स के विरोध का सिलसिला जारी है। छत्तीस घंटे हो गए लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार न ये आवाजें सुन पाई, न मेडिकल के छात्रों की मांग पूरी कर पाई। रियल अपराधियों को पकड़ा जाए, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। जल्दी से जल्दी चाहते हैं बच्ची के लिए फैसला है, उसके माँ बाप को इंसाफ मिले। CCTV कैमराज इंस्टॉल हो, सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो जो करेक्शंस मॉडिफिकेशंस चाहिए वो इम्प्लीमेंट हो, और जो गार्ड्स हैं वो ऐसे गार्ड्स हों जिन जो हमें प्रोटेक्ट कर सकें, ना कि ऐसे जो कि खुद मरीज हो। जिसको क्रिमिनल को पकड़े है उसको हमें चाहिए कि उसे डेथ सेंटेंस मिले, और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हम चाहते हैं कि लागू हो। सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया तो इसमें दोषी हम नहीं है, दोषी सरकार है, दोषी अथॉरिटीज है जो हमारी मांगे नहीं सुन रही है। भरोसे की जो रही सही उम्मीद थी, RG कर अस्पताल के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष को नया अपॉइंटमेंट लेटर थमाकर ममता सरकार ने उसे भी कुचल डाला। जो रिस्पॉन्सिबल था, जो वहाँ का प्रिंसिपल था, जिसने इसमें अशब्द बयान उसने किया है, उनको क्या हुआ? ट्रांसफर किया। ट्रांसफर की मांग नहीं है, उनकी टर्मिनेशन की मांग है। हमारे वहाँ पे जो प्रिंसिपल है उन्होंने लड़की हमारी जो सेपरेटी थी उसको दोषी ठहरा दिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट इसी पर आग बबूला हो गया। ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जोरदार फटकार लगाई। चीफ जस्टिस TS शिवगणनम की डिवीजन बेंच ने ट्रेनी डॉक्टर से बर्बरता के मामले में CBI जांच के आदेश दिए और पुलिस को सारे सबूत और दस्तावेज तुरंत CBI के हवाले करने का हुक्म भी जारी कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष पर मेहरबानी के लिए भी ममता सरकार को जमकर फटकारा। अदालत ने पूछा कि कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष ने छात्रा की मौत के मामले में शिकायत क्यों नहीं की, ये संदेह पैदा करता है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि RG कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष का बयान क्यों नहीं लिया गया। कोर्ट ने कहा कि जिस प्रिंसिपल ने घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया उसे दूसरे अस्पताल में नियुक्त कैसे किया गया। विक्टिम का फैमिली भी आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नाउ वी डिमांड हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। त्याग पत्र दे दीजिए। RG कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष को ममता बनर्जी का करीबी बताया जाता है। इन आरोपों को और बल मिला जब RG कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की कुर्सी छोड़ते ही संदीप घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का प्रिंसिपल बना दिया गया। इस पर BJP हमलावर है। अपराध करने की उनकी हिम्मत और हिमाकत और उसके बाद उसे संरक्षण देने की इंडी गठबंधन के दलों की सियासत। आज पूछना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? पूरे देश के डॉक्टर सड़कों पर हैं। ममता जी क्या हो गया है? ममता जी मान जाइए, किसको बचाना चाहती हैं आप और कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, मुझे फांसी दे दो, एक डॉक्टर को हटाया गया और उसको बड़े अस्पताल में प्रिंसिपल बना दिया गया। ये क्या क्या हो रहा है आपके राज्य में? इस सवाल का जवाब संगीन इल्जाम के तौर पर लेकर BJP पहले से तैयार थी। आसनसोल साउथ सीट से BJP के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अत्यंत विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि एक TMC सांसद का भतीजा RG कर रेप और मर्डर केस से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। शायद यही वजह है कि कोलकाता पुलिस इतनी हड़बड़ी में थी। अग्निमित्रा पॉल के आरोप बेहद संगीन है लेकिन बंगाल पर 13 साल से ताल ठोक कर शासन कर रही तृणमूल कांग्रेस इस पर चुप्पी साध गई। हालांकि चुप्पी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। मेरी बच्ची के जो है ना, थोड़ा आज जो है ना उनको OPD में दिखाना था, बहुत दिनों के बाद नंबर आने वाला था ऑपरेशन का, और देख रहे कि हाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है।
पेशेंट पूरा सीरियस है, 4000 रुपया भाड़ा देकर गाड़ी के लगाए, इतना दूर से आए हैं हम लोग कोई सेवा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। जनता इतना दूर से परेशान होकर आ रही है, घूम कर जा रही है, पेशेंट मर जाएगा। नहीं, हम तो चाहते हैं कि मरीज का भी हमारे ओपीडी डॉक्टर करते, बाकी सारे साथी हमारे प्रदर्शन के साथ रहते हैं।